नवंबर की आज की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो आज चैप्टर है वह ड्रेनेज बेसिन है। इससे पूर्व की कक्षा में ड्रेनेज बेसिन के बारे में आपको बताया गया और वहाँ तक कि नदियाँ जो बहती है उसके बहने के प्रवाह तंत्र के कौन कौन से प्रकार है, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न तक के बारे में आपको बताया गया। आज आपको बताया जा रहा है रिवर सिस्टम के बारे में और भारत में जो दो तरह के रिवर सिस्टम है, द हिमालयन रिवर सिस्टम और द पेनिनसुला रिवर सिस्टम, उसमें से आज शुरुआत की जाएगी हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि रिवर सिस्टम कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि नदियाँ बहती हैं, उसमें से एक मुख्य नदी होती है और बहुत सारी उनकी सहायक नदियाँ होती है। तो किसी इलाके में एक नदी जो बहती है और उसके साथ जुड़ने वाली जो नदी उसमें मिलकर बहती है, नदियों के ऐसे समूह को, ऐसे तंत्र को रिवर सिस्टम कहते हैं। यानी ए रिवर एलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्ड इन ए रीजन इज नोन एज रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जो बनता है वह रिलीफ फीचर और ओरिजिनेटिंग प्लेस के आधार पर बनता है। यदि हम रिवर सिस्टम की चर्चा इंडिया में रिलीफ फीचर और ओरिजिनेटिंग प्लेस के आधार पर करें नदियों की, तो हम पाते हैं कि नदियों के द्वारा जो रिवर सिस्टम भारतवर्ष में बनाया जाता है वह दो तरह के रिवर सिस्टम्स हैं। एक रिवर सिस्टम्स है द हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा सिस्टम है द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। यानी रिलीफ फीचर और ओरिजिनेटिंग प्लेस के आधार पर भारतवर्ष में नदियाँ या तो हिमालय पहाड़ से निकलती है, यानी पर्वतीय इलाके से निकलती है, या पठारी इलाके से निकलती है। तो हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ जिस सिस्टम को जन्म देती है रिवर सिस्टम को, उसे हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह हिमालयन रिवर सिस्टम जो है फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके पार्ट्स हैं द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इस तरह से हिमालयन रिवर सिस्टम को फर्दर तीन रिवर सिस्टम में बांटा गया, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब आइए चर्चा करेंगे हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, यानी सिंधु नदी तंत्र या प्रवाह के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि यह हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदी है। हिमालय पहाड़ जो भारत के उत्तर में तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत के नज़दीक मानसरोवर झील से इंडस रिवर निकलती है और यह भारत में लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के दौरान यहाँ पर इसमें सियोक, नुब्रा, हुंजा जैसी सहायक नदियाँ मिलती हैं और इस तरह एक प्रवाह तंत्र इंडस वैली, इंडस रिवर का शुरू हो जाता है। आगे चलकर इंडस की अन्य सहायक नदियाँ जैसे चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज आदि चल करके उसमें मिल जाती हैं। ये नदियाँ भारत से निकलकर जब
पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में सतलुज नदी में मिलने वाली अन्य चार नदी, सतलुज नदी इन चारों नदियों को अपने साथ पाकिस्तान में मिथान कोट नामक जगह पर इसे सिंधु नदी में मर्ज कर देती है, अर्थात सतलुज रिवर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह वहां से सिंधु नदी आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान के शहर कराची पहुंचती है और वह कराची के निकट अरेबियन सी में मिल जाती है। इस तरह सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर बहती हुई यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, जहाँ पर वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह आज आपने रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम के तीन पार्ट्स, इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में से आज आपने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जाना। फिर अगली कक्षा में क्रमशः आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।